अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर। नाउ वी आर स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 15। एक्सरसाइज टू भी हम कर रहे थे, कंटिन्यू थी हमारी। हमने एक्सरसाइज टू बी में फ्रेंड द क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये चार क्वेश्चन हम कर चुके थे एक्सरसाइज टू बी के अंदर। फ्रेंड द ब्लैंक्स कर चुके थे, ट्रू फॉल्स कर चुके थे, एमसीक्यूज हो चुके थे और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। ठीक है, आज हम इसका 5 भी हो गया था, 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे, और 6 में से भी 3 क्वेश्चन और 7 में से भी 3 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी आज। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी अब हमें एचसीएफ मालूम करना है। पहले हम जो क्वेश्चंस में कर रहे थे वो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से कर रहे थे, एचसीएफ निकाल रहे थे। अब हम एचसीएफ निकालेंगे डिवीजन मेथड के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो यूज होगा एचसीएफ यूज करने के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ देखिए आप 3 वैल्यूज दी हुई है और हमें डिवीजन मेथड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले 2 वैल्यूज देंगे और उसको सॉल्व करेंगे और फिर इन द एंड हम जाके तीसरी जो है वैल्यू लेंगे। अब हम जब फर्स्ट 2 वैल्यूज हम ले अगर यहाँ पे 39 एंड 93, ठीक, तो इसमें से जो वैल्यू बड़ी है तो यकीनन वो हमारा डिवाइडेंड होगा और जो वैल्यू छोटी है वो हमारा डिवाइजर होगा। यानी कि वो 93 बड़ी वैल्यू है तो वो डिवाइड में अंदर की साइड पे जाएगी और 39 डिवाइजर होगा यानी बाहर की साइड पे होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, 93 एंड 39। ठीक है, अब 39 टू ज़ा क्या होता है, रफ वर्क का कॉलम आपने बनाया साइड में और आपको मल्टीप्लाई करके देखें, 8 2 9 18 78। ठीक है, अब 39 अगर मैं 3 ज़ा करूँ, 27 3 9 117। ठीक है, तो हमारा ये 93 है, तो 39 टू ज़ा 78। अब हमने इसको माइनस किया, 1 कैरी दिया 13 में से 8 माइनस किए 5, 8 में 7 गए 1 15। अब हमारा देखिए, अब यहाँ पे आगे डिजिट्स ख़त्म हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम ये करेंगे कि अब जो हमारा डिवाइज़र था वो डिवाइडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र बन जाएगा, यानी कि ये यहीं रहेगा और हम 39 को डिवाइड के अंदर लिखेंगे। सही है, यानी जो हमारा डिवाइज़र था वो अब डिवाइडेंड बन गया है और रिमाइंडर जो था वो अब हमारा जो है डिवाइज़र हो गया। ठीक है, यानी अब हम हर स्टेप में ऐसे ही करेंगे, जहाँ ख़त्म होगा बाहर के डिवाइज़र को अंदर कर दिया करेंगे। ठीक है, 15 2 ज़ा 30 और 15 3 ज़ा 45। तो 45 ज़्यादा है तो हम यहाँ पे लेंगे 15 2 ज़ा 30। 9 में से 0 गए 9। अब हम क्या करेंगे, 15 को अंदर कर देंगे जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता। 9 1 9 9 2 ज़ा 18 ज़्यादा आ रहा है, तो 9 1 ज़ा 9, 6 बचा। अब हमने क्या किया, 9 को अंदर कर दिया, 6 1 ज़ा 6, 9 में से 6 माइनस किए 3, अब ये 6 अंदर जाएगा तो 3 2 ज़ा 6। तो अब आप देखें 6 में 6 गए 0, ख़त्म। तो ये हमारा यहाँ पे एंड हो गया, लेकिन अभी हमारी 54 थर्ड वैल्यू रह गई है। तो हम क्या करेंगे, जो ये जहाँ जाके 0 रिमाइंडर हमारे पास आया वहाँ जो हम देखेंगे डिवाइज़र क्या था, उस डिवाइज़र के साथ हम थर्ड वैल्यू को स्टार्ट कर देंगे। 54 अंदर रखा और 3 से किया, राइट। यहाँ जो हमने 2 वैल्यूज़ को करे थे, दोबारा बता रही हूँ, दोबारा सुन लीजिए, यहाँ हमें 3 वैल्यूज़ दी हुई थी, तो 2 को हमने किया था उसमें बड़ी वाली वैल्यूज को डिवाइड के अंदर करा था और जो हमारी जो स्मॉलर वैल्यू थी उसको हमने डिवाइज़र के तौर पे लिया था। और इसी तरह हर स्टेप में जो है हमारा डिवाइज़र अंदर जा रहा था और रिमाइंडर डिवाइज़र बन जाता था जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, हम इसको डिवाइड करते रहेंगे करते रहेंगे, फिर जहाँ हमारा आंसर 0 आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, जो थर्ड वैल्यू थी वो लेंगे डिवाइड के अंदर और जहाँ हमारा 0 आंसर आया था उसका जो हमारा डिवाइज़र है उसको हम यहाँ पे जो है डिवाइजर के तौर पे लेंगे। तो अब हम 3 को 54 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 गए 2, 4 उतारा। अब 3 की जगह 24 कहाँ आता है, 3 8 ज़ा 24। तो अब आप देखें ये हमारा ख़त्म हो गया, तो अब हमारा आंसर
लास्ट हमारा एच सी एफ क्या आया, जो लास्ट नंबर का डिवाइजर होता है वो एच सी एफ होता है एक्चुअली, ठीक है। तो हम लिखेंगे एच सी एफ ऑफ 39 93 एंड 54 इज 3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, बस बहुत आपको केयरफुल होके करना है, डिवीजन पे गौर करना है, अगर कहीं भी मिस्टेक करेंगे तो पूरा क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। बस आपको इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और थर्ड क्वेश्चन फिर मैं आपको इसका होम असाइनमेंट यानी गर्मी के लिए दूंगी, ताकि और आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो मैं इसका सेकंड क्वेश्चन कर रही हूँ। अब 48, 56, 68, शुरू के दो में देखा 56 पढ़ा था उसको अंदर कर दिया और 48 को बाहर। 48 वन जा 48, वन कैरी दिया 16, 16 में से 8 गए 8 बचा, ये 4 हो गया था तो 4 में से 4 गए कुछ नहीं बचा, कैंसिल। अब हमने 48 को अंदर रखा, 8 सिक्स जा 48, 48 और ये तो यही आपका देखें खत्म हो गया, यहाँ हमारा 0 बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 8 को अंदर रख के 68 थर्ड वाले से करेंगे, ठीक है। 8 8 64, 2 आया हमारा, 8 में से 4 माइनस किए तो 4 आया, ये कैंसिल, 6 में 6, 8 को अंदर करा, 4 2 जा 8, ये भी क्या खत्म हो गया। हमारा आंसर क्या आता है यहाँ पे, एच सी एफ इसका आता है एच सी एफ ऑफ 48 56 एंड 68 इज 4, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन सी है 72 96 एंड 36, ये आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, इसको बहुत इजी है, ये भी सेम एज इट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड है और एच सी एफ फॉर्म करने का, इसी तरह करेंगे आप इसको। हम आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हमें पीछे भी हम एच सी एफ मालूम कर रहे थे, अब हम एल सी एम मालूम करेंगे डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो यहाँ डिवीजन मालूम करने का मेथड क्या है, आपको चार उन्होंने जो है वैल्यूज दी हुई, डिफरेंट डिजिट्स दिए हुए हैं, तो एल सी एम निकालने के लिए आप सबको एक साथ इसका एल सी एम लेंगे, 84 27 35 एंड 45, बीच में आप कॉमास पुट करते जाएंगे, ठीक है। अब आप सबसे स्मॉलर वैल्यू से शुरू करते हैं इसको, तो 2 4 8, 2 2 4, 27 टू के टेबल में नहीं आता एज इट इज़ उतार दिया, 35 नहीं आता एज इट इज़ उतार दिया, 45 नहीं आता एज इट इज़ उतारा, 2 2 4, 2 1 2, 27 35 एंड 45, जो नहीं आते आप एज इट इज़ उसको दोबारा नीचे लिख देंगे। अब हम 3 के टेबल से करते हैं, 3 7 21, 3 9 27 और 35 नहीं आता और 45 नहीं आता, ऐसे ही नीचे लिख। अब हम 7 के टेबल से करके देखते हैं, 7 1 7, 9 नहीं आता, 7 5 35 और 7 के टेबल में 45 नहीं आता, वैसे ही लिख दिया। अब आप हमने क्या कर किस टेबल से करेंगे अब इसको, हम 3 के टेबल से करने की कोशिश करते हैं, 3 3 9, 5 नहीं आता, 3 1 3, 3 5 15, सही। अब फिर 3 के टेबल से दोबारा करते हैं, 3 1 3, 5 नहीं आता, 3 5 15, और अब सिर्फ 5 ही बचा है तो 5 के टेबल से जाएगा, 5 1 5, अब ये हमारा पूरा ख़त्म हुआ। अब इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उनको आप एलसीएम के अंदर क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स को आपको पता है एलसीएम के अंदर हम सारे जो जितने भी होते हैं सबको आप मल्टीप्लाई करते हैं, और आपको पता है एचसीएफ का आंसर जो है हमेशा छोटा आता है, एलसीएम का आंसर हमेशा बड़ा आता है, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो आप हमेशा जहन में बिठा के रखते हैं। ये सारे जितने भी फैक्टर्स थे हमने यहाँ लाइन से लिख लिए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 4 3 12 12 7 करके देख लीजिएगा रफ वर्क के अंदर,
84, 84 थ्री जा 252, 252 थ्री जा 3 to 6 1 7, 756 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 6 30, 5 5 25, 28 35, 3780 जो है हमारा इसका एलसीएम आया हमारा 3780। रफ वर्क आपको लाजमी करना है इसका, साइड में कॉलम बनाइएगा 3780, ये इसका एलसीएम है डिवीजन मेथड के थ्रू। ठीक है, ये इसका रफ वर्क था, आप इसकी लाइन ड्रॉ कर लें। इसका सेकंड मैं कर रही हूँ और थर्ड आप खुद करेंगे। ठीक है, 14, 15, 21 and 28। ठीक है, 2 7 14, 15 नहीं आता तो ऐसे ही लिख दिया, 21 भी, 2 2 2, 4 8। ठीक, अब 3 के टेबल से 7 नहीं आता, 3 5 15, 3 7 21, 14 ऐसे ही आ गया। अगर हम 5 के टेबल से करते हैं तो 5 5, 7 ऐसे ही आ गया, 14 भी। 7 के टेबल से करा तो 7 7, 7 7, 7 2 14 और 2 1 2, और ये हमारा ख़त्म हो गया। आपने क्या किया, सबको जो है सारे फैक्टर्स इसके लिखे और सबको मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। आपने क्या किया, 14 15 हम एलसीएम निकाल रहे हैं डिवीजन मेथड के थ्रू, तो आपने क्या किया 14 15 21 28 का एलसीएम लेना है। 2 7 14 15 नहीं आता, 2 के टेबल में एज इट इज़ उतार दिया, 21 नहीं आता, 2 1 2 2 4 8, ठीक है 14 आ गया। अब हमें 3 के टेबल से क्या 7 नहीं आता, 3 5 15, 3 7 21, 14 उतार दिया इसे, 5 1 5 जो नहीं आता ऐसे ही उतार दिया सारा, 7 7 7 7 7, 7 2 14 एंड 2 1 2, यानी सबको आपने जो है इसके मल्टीपल्स निकाल लिए, 2 3 5 7 2, 2 3 6 6 5 30, 37 2 10 और 2 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 420। ठीक है, तो ये हमारा 420 का आंसर है। जहाँ से आपको टेबल जाहिर इतने लार्जर नंबर के टेबल आपको नहीं आते हैं तो आप उसको रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट हमेशा एलसीएम का जो प्रोडक्ट आता है सबको मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमेशा एचसीएफ के मुकाबले में बड़े होते हैं, एलसीएम के आंसर्स बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म हुआ। अब इसके बाद ये जो सी है इसका 25, 18, 36 and 40, ये आपका होम असाइनमेंट है, आप ये खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के भी मैं आपको 2 A और B करवा चुकी हूँ, सी मैंने आपको होमवर्क में दिया है, और इसी तरह 7 का भी 2 A और 2 मैं करवा चुकी हूँ, सी आपका होमवर्क है। आप इसको आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, आप इसको अच्छी तरह से करके मुझे इसको ला के चेक करवाएं।